CNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkad Bazar, Solan 9816078655. सोलन नगर निगम को लेकर राजनीति धीरे धीरे गर्म हो रही है। विभिन्न पार्टियों से टिकटों के लिए आवेदन करने के बाद जब कई प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिले तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी है। ऐसा ही कुछ सोलन के वार्ड नंबर 17 में भी हुआ। यहां से युवा नेता विकास ठाकुर ने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों के भारी दबाव के चलते विकास ठाकुर ने इस चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नामांकन भरने के बाद अब प्रचार भी शुरू कर दिया है। विकास ठाकुर के साथ हर वर्ग के लोग भारी संख्या में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग का उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे में वार्ड नंबर 17 में अब मुकाबला रोचक हो गया है। परिणाम क्या होते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन युवा चेहरे के साथ दिख रही भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। कैसा इकलौता विकास है जिसका कोई दूसरा उम्मीदवार मुकाबला नहीं कर सकता। इनके पास शराफत है, तजर्बा है और गरीबों के हिमायती है। दूसरी बात, आज का बच्चा कल का कर्णधार होता है, इसलिए प्रत्येक नौजवानों का कर्तव्य है कि वो एक नौजवान युवक को सपोर्ट दे और सत्ता में अंदर लाए। धन्यवाद सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विकास ठाकुर है और मैं वार्ड नंबर 17 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ मेरा नहीं है, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे मन में सेवा भाव है और मैं जनता की सेवा के लिए, जनता के हकों के लिए ही लड़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चुनाव मैदान में बतौर आज़ाद उम्मीदवार उतरा हूँ। आज मैं अपने ग्राम कथेड़ में, जहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ, वहाँ प्रचार कर रहा हूँ और यहाँ की समस्याओं से मैं भलीभांति अवगत हूँ। मुझे बहुत लंबे समय से यहाँ की समस्याओं का पता है, क्योंकि पंचायत में सीमित साधन होने की वजह से हमारी बहुत सी समस्याएं आज भी जो लंबे समय से पेंडिंग है, लंबित पड़ी है, उन समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप सभी लोग, जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मेरे लोग मुझे जिता के लाते हैं, तो मैं उन समस्याओं को दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं बात करूं अपने ग्राम कथेड़ की, तो सड़कों का मरम्मत होना, सड़कों का यहाँ पे सीमेंटेड सड़कों का अभाव है, सीमेंटेड सड़कों का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। चाहे उसमें हम मेटलिंग उसकी कर ले, चाहे उसको सीमेंटेड कर ले, सीमेंटेड सड़क एक लंबा समय चलती है, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि इसको सीमेंटेड किया जाए। दूसरा, यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है बरसात के समय में। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये जो HRTC वर्कशॉप से पूरा एरिया नीचे उतरता है, यहाँ से टोटल पानी का फ्लो बनता है। और ये सारा मैं खुद बताना चाहूँगा कि जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ बीचों बीच मैंने अपने घरों, दोनों मकानों के बीच में नाला छोड़ा है और उसके बीच से बहुत ज़्यादा फ्लो में पानी आता है। कई बार रात को हम जब सोए होते हैं और बरसात का मौसम होता है, तो कई बार मतलब इतना तेज़ी से पानी आता है कि डर लग जाता है कि बाहर शायद पानी जो है आंगन में ही आना शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से मैं ही नहीं जूझ रहा हूँ, मेरे लगते जितने भी मेरे पड़ोस के जितने घर हैं उन सब घरों में ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और उसके बाद जिन लोगों की यहाँ पे और एक्स्ट्रा ज़मीन है, जो यहाँ के पुश्तैनी लोग, यहाँ के हमारे और बाशिंदे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों की ज़मीनों का यहाँ बड़ी तेज़ी से कटाव हो रहा है। बहुत लंबे समय से उनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है इस पानी की वजह से। ये एक यहाँ गंभीर समस्या बनी हुई है लंबे समय से, जिसका कि पंचायत स्तर पर आज तक निवारण नहीं हो पाया है। लेकिन कमेटी में आने के बाद, कॉरपोरेशन में आने के बाद, निगम में आने के बाद, मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि इस समस्या का मैं समाधान करूँ, इसके लिए पूरी कोशिश करूँ। कुछ एक सड़कें जो यहाँ पर अंदर तक बननी ज़रूरी है। पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। कोई भी मेहमान आ जाए किसी के भी घर में, तो यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा जगह पड़ी है जिसको हम आने वाले समय में काट के एक पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था यहाँ अपने लोगों के लिए बना सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स, ये भी एक बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले की है। कूड़ा करकट, चलो इसकी भी एक समस्या काफ़ी लंबे समय से चली थी, लेकिन जब से कमेटी कॉरपोरेशन में एरिया आया है तो धीरे धीरे ये समस्या समाधान हो रही है। लेकिन जो कूड़े की जो कुछ समाधान होने को बाकी है, वो कॉरपोरेशन में अगर मैं जीत के आता हूँ तो इसका पूरी तरह से यहाँ सफाई की जाएगी। कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पे पड़ी है जिसमें झाड़ियाँ उगी रहती है और ग्रीनरी
जिस वजह से ख़त्म रहती है इन झाड़ियों को काट के, यहाँ पे पेड़ पौधे अगर अच्छे से लगाए जाएँ और उनकी केयर टेकिंग की जाए तो यहाँ पे एक अच्छा वातावरण इस रेजिडेंशियल एरिया में लोगों को रहने के लिए मिल सकता है। पूर्ण वार्ड की बात करूं तो कथेड़ से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इस वार्ड से निकलने, यहां से निकलने के बाद हमारे वार्ड का जो क्षेत्र है उसमें हमारा बावरा का काफ़ी बड़ा एरिया आता है, जिसमें हमारा वसंत कॉलोनी, वसंत विहार कॉलोनी उसको कहते हैं, सूर्य किरण कॉलोनी कहते हैं, वहां के लोगों से भी मैं मिला हूं। वहां पे मैंने बहुत सारी दिक्कतें वहां भी मैंने देखी है लोगों से मिलने के बाद, जिसमें एक प्रमुख समस्या मैंने देखी कि सिलेंडर की वहां दिक्कत है, जो घर घर डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग ऐसे हमारे जो माताएं बहनें या बुजुर्ग घर में रहते हैं वो सिलेंडर वहां पे नहीं पहुंचा सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के घर घर तक सिलेंडर की आने वाले समय में डिलीवरी करवाई जाए। दूसरा, वहां पे एम्बुलेंस रोड एक आज सरकार की सबसे प्राथमिकता होती है कि एम्बुलेंस रोड आज हर जगह पे बने। वहां एम्बुलेंस रोड की जो प्रॉपर एक दिक्कत है, उस एम्बुलेंस रोड को भी मैं वादा करना चाहूंगा वहां के लोगों से कि अगर मैं चुन के आता हूं तो मैं उसके लिए भी भरपूर कोशिश करूंगा कि वो एम्बुलेंस रोड वहां तक पहुंचाऊंगा जिसकी लोगों को वहां जरूरत है। उसके बाद सीवरेज एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारा अर्बनाइज्ड एरिया, जैसे कि मैंने परसों भी आपसे बातचीत की थी और आपको संबोधित करते हुए कहा था कि सीवरेज का जो हमारा अर्बनाइज्ड एरिया हो चुका है, जिसका शहरीकरण हो चुका है, उस इलाके में सीवरेज की व्यवस्था हमारे पास सही तरीके से नहीं है। तो इस सीवरेज के लिए भी हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा अपने लोगों से बातचीत करके, जहां जहां कोई डिस्प्यूट है उसको खत्म करके, लोगों को मनाते हुए लोगों का विश्वास हासिल करके इस सीवरेज की समस्या को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा तो वार्ड नया है, मैं दावे से कहता हूं कि अभी जो मार्केट के अंदर जो पहले हमारे 15 वार्ड है भी जो नगर परिषद में थे, वहां पे भी संपूर्ण तरीके से सीवरेज की व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन हमारे वार्ड में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं चुन के आता हूं तो सबसे पहले सीवरेज के ऊपर ही काम किया जाए। लाइट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हर एरिया में है, चाहे वो सूर्य किरण कॉलोनी है, चाहे वो वसंत विहार कॉलोनी है, चाहे वो बावरा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा कठार का क्षेत्र है, चाहे हमारा बैर की शेर की तरफ का एरिया है, चाहे वो हमारे गुरुद्वारे के पीछे का मोहल्ला है, हर जगह स्ट्रीट लाइट्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या है। इसका भी उचित समाधान किया जाएगा, इसकी तरफ भी तेजी से काम किया जाएगा, इसका भी मैं निपटारा करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, बावरा गाँव के लिए हमारा रोड जाता है, मैंने अक्सर उस गांव में देखा है कि आज मैं उस समस्या को ज्यादा महसूस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने प्रचार के लिए अगर जा रहा हूं तो मैं गाड़ी से अगर निकल रहा हूं तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो कहीं मेरे पास इतनी जगह उस रोड में नहीं है कि मैं पास दे सकूं किसी दूसरी गाड़ी को, मुझे पूरी गाड़ी बैक करनी पड़ रही है। लेकिन वहां के लोगों को विश्वास में लेके, उन लोगों से तालमेल करके, उसमें कुछ ऐसे पासिंग पॉइंट्स बनने जरूरी है जो वहां के लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत, एक समस्या है, तो उसके लिए भी हम भरसक प्रयास करेंगे, संपूर्ण मेहनत करेंगे उसको दूर करने के लिए भी। धन्यवाद। अब छोड़ दें सोलन में बच्चों के शॉपिंग की चिंता, आपके शहर सोलन में आ गया है बच्चों की शॉपिंग का सबसे बड़ा शोरूम firstcry.com। आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर श्री श्याम कॉम्प्लेक्स अबव रेमंड शोरूम नियर अमर होटल द माल सोलन।